लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। गणतंत्र दिवस की 71वीं वर्षगांठ पर अजाक्स के प्रांतीय कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति के प्रांत अध्यक्ष जेएन कंसोटिया ने गणतंत्र दिवस की 71वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर अजाक्स की प्रांतीय कार्यकारिणी के अधिकांश पदाधिकारी मौजूद थे, जिसके बाद कंसोटिया ने संविधान की उद्देशिका का वाचन किया और पदाधिकारियों ने संविधान की मूल भावना को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कंसोटिया ने अपने संदेश में कहा कि आज देश के संविधान को लागू हुए 71 वर्ष हो गए हैं, हमारे समाज को अभी भी न्याय की प्राप्ति नहीं हुई है। हम सबका विश्वास है कि संविधान के पूर्ण रूपेण पालन से देश के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को न्याय प्राप्त होने लगेगा। समारोह में प्रांतीय महासचिव SL सूर्यवंशी सहित अजाक्स के पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। आज अपना देश 71वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। अजाक्स परिवार के सभी साथियों को शुभकामनाएँ देता हूँ और अजाक्स ने आज यह प्रण लिया है कि जो भारत का संविधान है जो आज लागू हुआ था, उसकी रक्षा हम लोग करें। भारत के संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, आज़ादी, भ्रातृत्व का सिद्धांत है, उसके अनुसार काम हो, उसके अनुसार लोग जीवन यापन करें और उसके अनुसार लोग सोचें कि इस देश में समानता रहे, समाज में समानता रहे, आर्थिक सामाजिक न्याय लोगों को प्राप्त हों, सबका जीवन यापन अच्छा रहे, उसी सिद्धांत को लेकर हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अजाक्स ये प्रण भी लेता है कि हम लोग भारत के संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत है उसके अनुसार काम करें और हमारे जो गरीब भाई हैं, गांव के भाई हैं, उन तक संविधान के की जो मुख्य बातें हैं उनको हम लोग पहुँचाएँ और कोशिश करें कि देश का हर व्यक्ति, प्रदेश का हर व्यक्ति संविधान की शपथ लेके आगे बढ़ें। धन्यवाद, शुभकामनाएँ। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।